जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अवध विश्वविद्यालय की यह अवध सीरीज बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड, इसमें जो प्रश्न दिए हैं, आइए मैं अपने तरीके से कोशिश करता हूं आपको इन प्रश्नों को समझाने का। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी। देखिए, अवध सीरीज का फर्स्ट पेज यानी कि पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान क्या है। दोस्तों आप सब ने बचपन में यह फोटो देखा होगा जहाँ पे एक पेंसिल पे दो बच्चे बैठे रहते हैं और नीचे लिखा था सब पढ़े सब बड़े। और आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा स्कूल चले हम। वास्तव में यही सर्व शिक्षा अभियान है जिसकी शुरुआत 2001 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका मेन मकसद यह था कि जन जन तक हर एक बच्चा, हर एक वर्ग का बच्चा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी बच्चा हो, वह स्कूल जरूर जाए, प्राथमिक शिक्षा जरूर ग्रहण करे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसे प्राथमिक विद्यालय भेजा जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास शुरू किया गया था उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें होता क्या था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती थी, दोनों मिलकर यह शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह नीति निर्धारित की थी। ठीक है, तो यही था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े, स्कूल चले हम। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान क्या था, यह एक ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्य की भागीदारी से सहसंबंध सामाजिक प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि हर एक बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो ये संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह सर्व शिक्षा अभियान शुरू की गई, जिसमें निःशुल्क शिक्षा 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को दी जाए। बाद में यह तिथि बढ़ा दी गई, 2010 को आगे बढ़ा दिया गया और अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या था, ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। मैं एक चीज़ के क्लियर कर दूं कि अवध सीरीज हम देख रहे हैं तो उसमें दूसरा प्रश्न अति लघु उत्तरी का कि नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह तो किताब में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और ऐड करना चाहूंगा यहां से। ठीक है, नालंदा शब्द संस्कृत के दो शब्द से, संस्कृत शब्द के नालम प्लस दा से बना है। नालम का अर्थ होता है कमल, यहां कमल का अर्थ है प्रकाश अथवा ज्ञान से है। बौद्ध महावीर की स्थापना के बाद इसे नालंदा महावीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कई सदियों तक यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। माना जाता है कि नालंदा में इतनी पुस्तकों का संग्रह था कि एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में उसे गिन नहीं पाता था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेन सोंग ने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय आए, उन्होंने ये कई वर्षों तक यहाँ विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया और उसके पश्चात उन्होंने इसमें पढ़ाना शुरू कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, तो आप सब भंडार इकट्ठा करिए, फिर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे किताब में लिखा है कि नालंदा बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यहाँ प्रवेश से पूर्व शिक्षार्थी को कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। यह एक ऐसा विद्यालय था कि उस समय आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था यहाँ एडमिशन के लिए। ह्वेन सोंग, और ह्वेन सोंग कौन थे, जो कि यहाँ पे घूमने आए थे, बाद में इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन लिया, बाद में इन्होंने यहाँ पे पढ़ाने लगे, ह्वेन सोंग चीनी यात्री। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि विद्यालय के प्रधान द्वारों पर नियुक्त विविध विषयों के विशेषज्ञ पंडित परिवेशार्थी से उनकी योग्यता के प्रतिभा की परीक्षा हेतु दार्शनिक विषयों एवं अन्य ऐसी समस्याओं पर जटिल प्रश्न पूछते थे। जब आप प्रवेश लेने के लिए जाएंगे तो आपसे वहां के विशेषज्ञ पंडित आपसे प्रश्न पूछेंगे, और यह प्रश्न इतना कठिन होता था, परिणामतः मुश्किल से 20% विद्यार्थी ही प्रवेश कर पाते थे। ठीक है, यह बहुत ही मुश्किल था नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना, क्योंकि यहाँ पे बस भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग, बच्चों की ये सपना होती थी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ें, या यहाँ पे चीन, कोरिया, तिब्बत आदि देशों से शिक्षार्थी इस विद्यालय में अध्ययन हेतु आते थे। तो ये था महत्व हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का। उम्मीद है दोस्तों आप इस पर थोड़ी सी टिप्पणी लिख सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इसमें शांति शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है, यह आपका प्रश्न है कि शांति शिक्षा के उद्देश्य बताइए, लेकिन शांति शिक्षा के उद्देश्य आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसकी अर्थ और परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, डॉक्टर मर्सी अब्राहम ने लिखा है कि शांति शिक्षा शांतिप्रिय लोगों के लिए शिक्षा है, ठीक है, जो इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होंगे। ओके, यह विशेषता भावात्मक शिक्षा है, यह धार्मिक शिक्षा है, साथ ही साथ यह स्वयं में शिक्षा है। ठीक है, साथ ही साथ के एस बासवराज ने लिखा है
कि शांति शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम व प्रक्रिया है जिसमें लोग मतलब कौन, नौ युवक और प्रौढ़ में शांति के मूल्यों की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, यह वह तैयारी है जिसमें सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय व्यवस्था तथा संपूर्ण न्यायप्रिय तथा व्यवस्थित संपूर्ण सामंजस्य बना रहे। कहने का मतलब ये शांति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पे शांतिप्रिय लोगों की शिक्षा दी जाती हो और पूरे विश्व में एक शांति भावना कायम करने की बात की जाती हो, तो यह है कोई शांति शिक्षा की परिभाषा। अगर उद्देश्य की बात करें तो जब पूरे विश्व में एक ऐसी शिक्षा जो पूरे विश्व में शांति स्थापना करना चाहती हो, अहिंसा आपको जोर देती हो, हिंसा नहीं करने की बात करती हो, तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। देखिए ये किताब में कुछ और लिखा है लेकिन मैंने यहाँ अपने शब्दों में लिखा है कि नवयुवक में शांति के आध्यात्मिक मूल्य को विकास करना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आंतरिक शक्ति या मन की शांति प्राप्त होगी और क्या होगा, शांतिप्रिय मानव के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव आपका थॉट डेवलप होगा। मानव जीवन में शांति के मूल्य समझने की उसकी सराहना करने की छात्रों को तत्पर बनाना है। क्या शांति शिक्षा का उद्देश्य, बच्चों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त न्याय तथा अन्याय के विषय में जागरूकता विकसित करना, बच्चे ये समझे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, भ्रातृत्व मतलब एक ब्रदरहुड की भावना डेवलप हो। तो उद्देश्य क्या होगा भैया, देखिए हिंसा और अहिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, तो शांति शिक्षा के माध्यम से आप बच्चों को बताएंगे कि युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणाम क्या होते हैं, उनसे अवगत कराना है जिससे वे उनसे बचने के लिए कदम उठाने में समर्थ रहे। तो दोस्तों एक एक पॉइंट नहीं बताएंगे क्योंकि शांति शिक्षा आप स्वयं भी लिख सकते हैं कि जब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी तो इसका क्या उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके अवध सीरीज में चौथा प्रश्न है समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा का उद्देश्य चूंकि आप सॉरी सिद्धांत आपसे पूछा गया है, आपके प्रश्न में ये पूछा गया कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इससे पहले आप थोड़ा सा समावेशी शिक्षा के बारे में जान जाइए। देखिए समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ऐसे शिक्षा जहां पे सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को भी एक ही कक्षा में बैठा के उसे शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा क्लासरूम, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ठीक है, जैसे कुछ बालक होते हैं जैसे वो थोड़े से हैंडीकैप होंगे, विकलांग होंगे या मस्तिष्क रूप से उतने विकसित नहीं होंगे, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था में समावेशिक में सभी बच्चों को आपको एक साथ पढ़ाना है, उनमें भेदभाव नहीं करना है, ताकि बच्चों के अंदर एक नैतिकता का विकास हो कि ये भी हम में जैसे हैं, ये इनकी कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई ये भी एक प्राणी है, मनुष्य है, हमारे जैसे हैं, ताकि इनके अंदर एक मित्रता बना रहे और एक नैतिकता का भाव रहे। तो इस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब इस समावेशी शिक्षा का सिद्धांत देख लीजिए जो कि आपके अवध सीरीज में दिया गया है। समावेशी शिक्षा में बाधित व सामान्य बालक एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा असमर्थ तथा सामान्य बालकों को सामान्य विद्यालय प्रदान की जाती है। बात वही की जा रही है, शब्द को देखिए। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों की शिक्षा प्राप्त करने के विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। जब असमर्थ बच्चे, जब वो सामान्य बच्चों के साथ रहेंगे तो उनके अंदर एक थोड़ी सी कंपटीशन और वो चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, उनको भी मोरली मतलब नैतिक रूप से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि हमसे कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। इस प्रकार की शिक्षा से बालकों को स्वस्थ वातावरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हो गया चौथा प्रश्न। अब बात करेंगे पाँचवा प्रश्न आपसे था कि वनस्थली विद्यापीठ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मैं इस वनस्थली विद्यापीठ में स्वयं जाके घूम चुका हूँ, अभी थोड़ी दिन पहले वहाँ से लाइव भी किया था। वनस्थली विद्यापीठ चूंकि 1929 में श्री हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, पहले ये एक आश्रम हुआ करता था, इसे कुटीर था, ठीक है। इसके बाद 1935 में इसका नाम बदलकर शिक्षा कुटीर पड़ गया। इस आश्रम में सबसे पहले 5-6 बच्चियों कन्याओं के साथ लेकर शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी, परंतु वर्तमान समय में लगभग 22 विभाग हो गए हैं और यह इस समय एक आदर्श संस्था रूप। देखिए वनस्थली विद्यापीठ एक बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय है जहाँ पे देश भर से, दुनिया भर से बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने आती हैं, जिसकी शुरुआत मात्र 5 से 6 बच्चियों के द्वारा किया गया था श्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। इसकी भी शुरुआत के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको हम अलग विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन पहले एक एक शॉर्ट आंसर्स देख रहे हैं तो इसको यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अवध सीरीज के अति लघुतरीय प्रश्न के 1 से 5 प्रश्न देखे और इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ में, तो मुझे नहीं पता कि यह सीरीज़ आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अगर मैं इस तरह से प्रश्नों को डिस्कस करूं तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, अगर चीज़ें समझ में आ रही हो और आप मुझसे चाहते हैं कि ऐसे ही करके मैं पूरे किताब के आंसर्स डिस्कस कर लूं, तो आप मुझे
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। अभी तो 5 प्रश्न हुए, जितने भी अति लघु उत्तरी के प्रश्न हैं ऐसे ही एक एक करके डिस्कस कर लिया जाएगा। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का, तो ज़रूर कमेंट करें। फिर मैं अगली 5 से 10 या 5 से 15 क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से क्लिक करके जुड़ जाएँ ताकि हम एक साथ वहाँ पर डिस्कस करके पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में देखने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और हम देखेंगे 6 से लेकर 15 तक के प्रश्न को। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।